why I want to do MBA, why I want to give CAT. This question often come into my mind, even though मैंने काफी पहले से decide कर रखा है कि मुझे MBA करना है, but time to time ये question मेरे दिमाग में आता रहता है कि MBA करना है ना मुझे CAT ही देना है ना, क्या मैं शायद इसलिए तो नहीं कर रहा. So before starting this video, let me quickly tell you, I am Raghav Grover, a second year BCom student currently preparing for CAT 2024. And in this video, I'll tell you why I'm giving this CAT 2024 exam and why I want to do MBA. So let's start from the beginning. I am from a small town named Fazilka in Punjab, and my home is almost 10 km away from the Pakistan border. So this area mein hum rehte hain, jo mostly students hote hain, wo teen cheeze hi karte hain. पहला, जिनके पास थोड़ा पैसा है या तो अपना फैमिली बिजनेस कंटिन्यू करते हैं एंड या फिर वो बाहर कनाडा या ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं. सेकंड, जिनके पास पैसा नहीं है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब पे भी मेनली वो कैट देते हैं गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के लिए. तो स्टार्टिंग में भी केशव भाई और मुझे भी यही लगता था कि यही ऑप्शंस हैं एंड इन्हीं में से कुछ करना पड़ेगा. व्हेन आई वाज इन 10th और 11th आई गेस, केशव भैया केम टू डिस्कवर अबाउट द एग्जाम नेम्ड कैट. एंड जब हमने थोड़ा इंटरनेट पे रिसर्च किया एंड कुछ वीडियोस देखे आईआईएम कॉलेजेस के, तो वी वर शो के आईआईटी जैसा कुछ आईआईएम भी होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. एंड फ्रॉम द स्टार्ट केशव भैया एंड आई लाइक मेकिंग वीडियोस एंड वी ऑलवेज वांट टू डू सम मार्केटिंग एंड फाइनेंस थिंग, बिकॉज हम दोनों का इसमें कुछ कुछ इंटरेस्ट था. एंड आईआईएम की वीडियोस देखने के बाद That life really excited us. Because हमारे एरिया में तो हमने थोड़ा बहुत बिजनेस ही देखा है, तो फर्स्ट ड्रीम तो यही था कि एक बिग सिटी में जाके एक ऑफिस में काम करना है बैठ के एसी के नीचे. यही लाइफ सोची हुई थी हम दोनों ने अपने लिए, एंड वो सिर्फ सोचना ही ऐसे ऐसे काम करेंगे वही हमें काफी एक्साइट करता था. सो देन केशव भैया स्टार्टेड हिज प्रिपरेशन फॉर कैट एग्जाम एंड आई टुक कॉमर्स इन 11th क्लास. एंड बिफोर 11th जब मैं साइंस पढ़ रहा था या एसएस पढ़ रहा था, मैं जस्ट बिल्कुल रट्टा मारता था, प्रॉपर रट्टा, कुछ मुझे समझ नहीं आता था. बट 11th क्लास में कुछ सब्जेक्ट ऐसे आए जैसे अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई, थोड़ा आरबीआई के बारे में पढ़ा, थोड़ा फाइनेंस पढ़ा, मतलब आई नो प्रॉपर फाइनेंस या मार्केटिंग नहीं है, बट कुछ ना कुछ जो हम कर रहे थे उन सब सब्जेक्ट्स को मैं अपने साथ रिलेट कर पा रहा था. तो उन सब्जेक्ट ने मुझे और एक्साइट किया. एंड देन केशव भैया गॉट इनटू एन आईएम एंड वी स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस. जब भी भैया घर आते थे या फिर हम जब भी मिलते थे, तो मैं भैया को हमेशा कहता था कि अपनी कॉलेजेस की थोड़ी स्टोरी बताओ कि क्या क्या लोग काम करते हैं एंड क्या क्या लोग कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या लोगों ने अलग अलग स्टार्ट कर रखा है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा था, तो सुनने में काफी मजा आता था. एंड इसीलिए जब मैंने केशव भैया का कॉलेज विजिट किया है, भैया के दोस्तों से मिला, तो उनकी स्टोरीज ने भी मुझे काफी एक्साइट किया कि जो आईएमएल लाइफ है ना वो काफी डिफरेंट है. 250 लोगों का बैच है, तो हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ कर रहा है खुद से ही. कोई कुछ बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ फ्रीलांस कर रहा है, कोई इंटर्नशिप कर रहा है, कोई कुछ सर्टिफिकेशन कर रहा है, कोई स्किल बिल्ड कर रहा है. तो काफी सुनने में अच्छा लगता था एंड सीरियसली लगता था यार कि ये लाइफ चाहिए मुझे. टाइम टू टाइम मेरे मन में भी क्वेश्चन आता रहा कि कहीं भैया ने एमबीए किया है, शायद मैं भैया के पीछे लग के तो एमबीए नहीं कर रहा. घर वालों ने एंड भैया ने तो मुझे कभी नहीं कहा कि तूने एमबीए करनी, तूने कैट देना है. मैं खुद से ही बोलता था कि मुझे कैट ही देना है. एंड ये थॉट मेरे माइंड में शायद इसलिए आता था बिकॉज पहले हमने कोई ऑप्शन डिस्कवर नहीं किया था एंड आउट ऑफ द ब्लू केशव भैया ने ये डिस्कवर किया कि कैट एग्जाम भी कुछ चीज है, तो एक ऑप्शन न्यू आया. तो आई थॉट कि सिर्फ एक ऑप्शन न्यू आया है इसीलिए मैं कैट करना चाहता हूँ. बट इवेंचुअली थोड़ा एक्सपोजर और मिला एंड देखा कि और भी चीजें होती हैं करने के लिए एंड और क्या क्या ऑप्शन है. बट जो भी ऑप्शन आते रहे, बट सबसे ज्यादा एक्साइट मुझे एमबीए लाइफ ही करती थी. इतनी डिफरेंट थिंग्स, इतनी डाइवर्सिटी एंड इतना प्रैक्टिकल वर्क आई थिंक एमबीए कोर्स में ही है, वो भी टॉप कॉलेजेस में. तो केशव भैया की आईएम लाइफ ने मुझे इतना एक्साइट किया. मनी तो ऑब्वियसली चाहिए चाहिए, पैकेज तो चाहिए ही, बट आई थॉट कि और अच्छा कॉलेज मिलेगा मुझे, और अच्छी लाइफ जी पाऊंगा, और एक्सपोजर मिलेगा मुझे एंड जो फेलो स्टूडेंट्स होंगे वो और भी अच्छा काम कर रहे होंगे एंड उनसे भी मुझे उतना ही सीखने को मिलेगा. एंड आई लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स एंड आई लाइक थिंग्स जो मुझे काफी एक्साइट करती हैं. एंड आई थिंक दैट इज इनफ रीजन टू प्रिपेयर फॉर कैट एग्जाम. मोस्ट डोमिनेटिंग रीजन व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जाम इज एक्साइटमेंट, बिकॉज आई कांट वेट कब आईएम में मुझे एडमिशन मिले एंड वो 2 साल में लाइफ जीऊं जैसे केशव भैया ने दी थी. सो दिस वाज इट फॉर टुडे. आई टुक अ वीक ब्रेक फॉर माय मिड सेम, मैंने हफ्ता प्रिपेयर नहीं किया था कैट के लिए, बट नाउ आई एम बैक एंड बैक टू द प्रिपरेशन.
So this is it for today. See you in my next video. Bye bye.